दोस्तों यहाँ पे आयोजित हो रहा है वेस्ट बंगाल का बंगला संगीत मेला, तो वहाँ पे हम लोग अंदर गए थे। ये 27 दिन में हम लोग चले गए, आज आए थे पास के फोन में, तो अच्छा लगा, थोड़ा प्रोग्राम भी देखना हो गया। और भाई यहाँ पे क्या जा रहा है, गोटी गौरम, गोटी गौरम बोलते इसको बंगाल में। भुजिया में मसाला डाल के प्याज डाल के बनाया जाता है गोटी गौरम, बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है बहुत ज़्यादा। मैं भी खाता हूँ, आज मूड नहीं है, खाऊंगा नहीं, यहाँ से आगे बढ़ूंगा। बहुत सजा हुआ है विंटर में ये जगह, फिल्म फेस्टिवल में आपने इस जगह को देखा था, लेकिन आज दूसरे तरीके से आप इस जगह को देखने वाले हैं। दोस्तों लगभग 6000 म्यूजिशियन और सिंगर्स को मिला के बंगाल के इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेज पे ये हो रहा है, जैसे यहाँ पे बाहर ओपन थिएटर, मतलब ओपन में हो रहा है, जैसे अंदर हम लोग बैठे थे ही, तो अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो हम लोग आज ये कोलकाता में दिसंबर में फेस्टिवल सीजन होता है, फिर बाउल संगीत भी होता है, बहुत अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, सूफी म्यूजिक का कॉन्सर्ट होता है। यहाँ पे और एक थर्ड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, देखते हैं यहाँ पे क्या गाना चल रहा है। रविंद्र सदन से थोड़ा इस पार आ गया है मोहर कुंज की तरफ, यहाँ पे चल रहा है पौष उत्सव, अंदर चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। जो आप लोग से बात कर रहा था ना कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, सूफी म्यूजिक होता है, इसी फील्ड में होता था दोस्तों, लेकिन आज शायद वही संगीत मेला का और एक सेक्शन यहाँ पे खुला है, मुझे ऐसा लग रहा है, आगे जाके देखते हैं। कुछ स्टॉल वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पे। दिसंबर में कोलकाता सजी हुई है खूबसूरती से, फेस्टिवल का माहौल है पूरा। और ये मैं बता रहा था, दुकान वगैरह है यहाँ पे, ट्रेडिशनल चीज़ें बिक रही है यहाँ पे आसपास, पीछे दिख रहा होगा आप लोग, ये दूसरी तरफ, और सामने जो है, और यहाँ पे भी चल रहा है म्यूजिकल कॉन्सर्ट। बाहर चलते हैं कैथेड्रल की तरफ, मैंने देखा है दूर से कि बहुत लाइटिंग लगी हुई है, तो वो मुझे कैप्चर करना है, आप सभी को दिखाना भी है। 7-8 बजे तक चलेगा, यहाँ भी 5-6 बजे 6 के आसपास बज रहा है, अभी अंधेरा इतना ज्यादा हो गया विंटर की वजह से। ये मीठा पान बिक रहा है, ये मीठा पान बिक रहा है, यहाँ पे खाना है क्या, मीठा पान नहीं, नहीं। शोर शराबे से थोड़ा दूर आ चुके हैं, आगे कैथेड्रल है उस पार, रास्ते के उस पार हम लोग क्रॉस करेंगे और जाएंगे चर्च के पास। हम लोग साल के इसी टाइम पे आते हैं चर्च में, हाँ इसी टाइम पे आते हैं ना, मैं कभी कभी अकेला आता हूँ एक्चुअली, तुझे शायद पता नहीं होगा, पर इस टाइम पे हम लोग आते ही है, पक्का से आते हैं और चर्च विजिट करते हैं। और आज तो बहुत खूबसूरत भी लगता है इस टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है ये जगह। कोलकाता तो एक है ही, मतलब ब्यूटीफुल सिटी, उसके साथ ये जब खूबसूरती से सजी हुई रहती है तो और भी सुंदर लगता है। पहुंच चुके हैं कैथेड्रल के मेन गेट के सामने, यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक एंट्री बनवाया दिया गया है इस बार, पहली बार बांस से घेर दिया गया है, एक तरह से जा रहे हैं एक तरह से आना है। आज थोड़ा सा भीड़ कम है, खाली है, तो ठीक है। लाइट क्या हुआ? लाइट ठीक है, स्क्रीन अंधेरा हो गया। अच्छा अच्छा, तो हमारे लिए अच्छा है, आराम से घूम पा रहे हैं, ठीक है ना। ये चर्च है कोलकाता का फेमस, कैथेड्रल चर्च, फेमस मतलब यहाँ में बहुत सारी फिल्मों का शूटिंग भी हुआ है, बॉलीवुड फिल्मों का। ये है पार्क स्ट्रीट के एंट्री पे हम लोग, इस बार क्या हुआ ना, रोड के बीच से जाने नहीं दे रहे क्योंकि ट्रैफिक जाम ना हो, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो हम लोगों के लिए ये फुटपाथ है, बाकी गाड़ी के लिए बीच वाला रास्ता, इसलिए अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहे एक्चुअली दोस्तों, इस बार सब लिमिटेड कर दिया, अंदर से जाना पड़ रहा है, तो आगे देखते हैं विंटर कार्निवल हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है देखते हैं। ये सही लगा मुझे, सांता क्लॉज, मेरी क्रिसमस।
का दिल का हलवा। तो पार्कशीट का जो मेन अट्रैक्शन है उस एरिया में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे क्रिसमस फेस्टिवल एक्चुअली होता है ये वो, और यहाँ पे देखिए गेट बना हुआ है एंट्री का। भाई सेल्फी लेने में बिजी है पीछे, बहुत जबरदस्त लाइटिंग है। आगे जाऊंगा तो और दिखेगा आप लोग, ये बढ़िया व्यू यहाँ का। दोस्तों यहाँ पर भीड़ तो ज़्यादा है लेकिन हर कोई सेल्फी लेने में बिजी है। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लोग अपना अपना फोटो खींच रहे हैं, सोशल मीडिया में अपडेट करेंगे, अपने पास कनेक्शन रखेंगे। इसीलिए कहाँ गया भाई, वो आ रहा है पीछे। चलो दूसरी तरफ म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, यहाँ पे क्रिसमस फेस्टिवल हो रहा है। ये गाना चल रहा है, स्टेज बना हुआ है। इमोशन से जुड़ा हुआ इस गाने में, बढ़िया गा रही है जो भी गा रही है, मुझे नहीं पता, बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब बाहर निकला जाए, जितना जितना रात हो रहा है, अंधेरा हो रहा है ना, ठंड बढ़ती जा रही है। इस तरफ जाना है, इस तरफ यहाँ से तो राइट था। हाँ हाँ, चलते इस तरफ चलते, धर्मतला चलेंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे। आज स्कूटी लेके आए नहीं, स्कूटी का पीछा वाला जो पिछले मतलब पीछे का चक्का है पंक्चर हो गया है, तो सर ठीक कराऊंगा, तो फिर जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा जाने में। इसलिए Oh, 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 oh